Hello and welcome class 9th in another video. In this video we are going to talk about Newton's laws of motion. There are three laws that we are going to discuss here in this chapter. Okay, so ek ek karke hum sare laws ko padhenge aur dekhenge kya hai, kya demonstration diya hua hai hamare books mein. So we are going to read this out. So Newton has given three laws to describe the motion of the bodies. So as you have already studied the motion chapter, hai na, chapter number 1. Now here in this chapter we are going to study about the laws of motion, that are the laws. ठीक है, any motion of the body follows that law. Now these laws are known as Newton's laws of motion because Newton's ने ही इसके बारे में स्टडी करी थी और लॉज बनाए थे. The Newton's laws of motion give a precise definition of force and establish a relationship between the force applied on a body and the state of motion acquired by it. यानी कि किसी भी बॉडी पे जिस तरीके का फोर्स लगा और वो बॉडी किस तरीके का मूवमेंट किया, उन दोनों के बीच का एक रिलेशनशिप बांध करके रखता है न्यूटन्स का लॉज ऑफ मोशन. वी विल नॉट डिस्कस दीज लॉज ऑफ मोशन एंड कंसिडर सम ऑफ देयर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस, यानी कि रियल लाइफ एप्लीकेशंस में हम इसको यूज़ करते हैं इन लॉज को. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. Some of the bodies or objects around us are at rest. Rest यानी कि रुका हुआ है, stationary है. और कुछ ऐसे object हैं जो कि motion में है, ठीक. तो Newton's first law of motion describes the behavior of such bodies which are in a state of rest or of uniform motion in a straight line. ठीक है, या तो ये state of rest की बारे में बात करता है या फिर यूनिफॉर्म मोशन होने ना स्ट्रेट लाइन. ठीक है, स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये जो स्टेटमेंट है इसको ध्यान से हमें पढ़ना है. अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, अनलेस इट इज़ कंपेल्ड by an external force, यानी कि जब तक उस पर कोई external force नहीं लगेगा to change its states of rest or of uniform motion. यानी कि जब तक कोई भी body अगर वो uniform speed से move कर रही है straight line में तो वो move करती रहेगी, या फिर अगर रुकी है तो वो रुकी रहेगी जब तक हम कोई external force उस पर नहीं लगाते हैं. ठीक, ये बात तो सबको समझ में आ रही होगी. Now इट शुड बी नोटेड दैट बाई सेइंग एन एक्सटर्नल फोर्स, इसका मतलब क्या है? एक्सटर्नल फोर्स का मतलब बाहर से फोर्स हम लगा रहे हैं. वी मीन अ फोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर के नहीं, बाहर पे. ठीक है, एक्सटर्नली कोई फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ से. लेट अस टेक सम एग्जाम्पल्स टू मेक द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मोर क्लियर. सपोज अ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, इट इज़ अ रेस्ट ऑब्वियसली, है ना. The book will not move by itself. भाई खुद तो move करेगी नहीं. That is, it cannot change its position rest by itself. खुद से तो उसका पैर नहीं निकल आएगा, वो चलने नहीं लगेगी, right? It can change its state of rest only when it is compelled by the force of our hand, either or any of the other object. है ना, मतलब कोई externally उस पर जब तक force नहीं लगेगा वो अपने position को change नहीं करने वाली है वो book जो कि rest पर रखी हुई है. Thus, the position of the rest of the book has been changed by external force of our hands. मतलब हमने external force लगा करके उसको move कर दिया. And this observation supports the first part of the first law of motion. ठीक है. Now, the tendency of a body to remain at rest or if moving to continue moving in a straight line is called inertia. तो inertia क्या होता है? It is a tendency of a body to remain at rest और इफ़ मूविंग टू कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया. यानी कि आप बस में जब बैठे हुए हो तो क्या होता है, बस में तो ब्रेक होता है, बस ब्रेक लगा दी बट आप आगे हो जाते हो. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी बस के साथ साथ मोशन में होती है, क्योंकि बस के पास तो ब्रेक है लेकिन आपके बॉडी में कोई ऐसा ब्रेक थोड़ी है कि अचानक से रुक जाएगी बॉडी. नहीं, बॉडी मोशन में ही रहती है, इसलिए आप आगे थोड़ा सा हो जाते हो जब ब्रेक लगती है बस में. तो सबने ये एग्जांपल देखा होगा, कार वगैरह में, बाइक में, सब जगह होता है ये. ओके, सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ रिकॉग्नाइजेस दैट एवरी बॉडी हैज़ सम इनर्शिया, हर बॉडी के पास कुछ इनर्शिया होता है. इनर्शिया इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट्स
a change in its state of rest or uniform motion. तो inertia एक ऐसी property है जो कि resist करती है change को उसकी body के state of rest में या फिर उसके uniform motion में. ठीक है. Now, greater the inertia of the body, greater will be the force required to bring a change in the state of rest or uniform motion. यानी कि जितना ज़्यादा बॉडी में इनर्शिया होगा उतना ज़्यादा आपको फोर्स रिक्वायर होगा ताकि उस बॉडी में आप चेंज ला सको. ठीक है. अगर रुकी है तो उसको मोशन में, अगर मोशन में है तो उसको रोकने में, जितना ज़्यादा बॉडी के पास इनर्शिया होगा. तो इनर्शिया एक बॉडी की अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी होती है. राइट. इनफैक्ट मास इज़ अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी. जो आपका बॉडी का मास होता है इट इज़ अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी. मतलब बॉडी में कितना इनर्शिया है, यानी कि जितना मास उतना ही इनर्शिया होगा. इफ़ अ बॉडी हैज़ मोर मास इट हैज़ मोर इनर्शिया. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, दैट इज़ हैवियर मास ऑब्जेक्ट हैव मोर इनर्शिया दैन लाइटर ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, अ स्टोन हैज़ अ हायर इनर्शिया दैन अ फुटबॉल. स्टोन भारी होता है. इफ़ वी किक अ स्टोन, है ना, इट विल नॉट मूव बिकॉज ऑफ इट्स हाई इनर्शिया, बट इफ़ वी किक अ फुटबॉल इट विल मूव अ वेरी लॉन्ग वे. दस अ स्टोन रेजिस्ट्स अ चेंज इन इट्स स्टेट बेटर दैन अ फुटबॉल डज. सो अ स्टोन हैज़ मोर इनर्शिया दैन अ फुटबॉल. सिमिलरली अ क्रिकेट बॉल हैज़ मोर इनर्शिया दैन अ रबर बॉल, क्योंकि क्रिकेट बॉल हमारी हैवी होती है. अ क्रिकेट बॉल हैज़ मोर इनर्शिया बिकॉज इट हैज़ मोर मास, है ना. ऑन द अदर हैंड, अ रबर बॉल हैज़ लेस इनर्शिया बिकॉज इट हैज़ लेस मास, लाइटर मास. दस द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स मास. द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास, यानी कि इनर्शिया ऑफ अ बॉडी किस पर डिपेंड करता है, उस बॉडी के मास पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बॉडी हैज़ अ मास ऑफ 1 kg एंड अनदर बॉडी हैज़ अ मास ऑफ 20 kg, then the body of having 20 kg will have more inertia. Simple है. अगर कोई 20 kg का कोई चीज़ है, अगर कोई 10 kg का है तो 20 kg वाले के पास ज़्यादा inertia होगा. As simple as that, है ना. So it is easier to move a body of mass 1 kg, मतलब 1 kg वाली body को push करना ज़्यादा easy as compared to 20 kg वाले mass को, है कि नहीं है, है ना, क्योंकि उसके पास high inertia होता है 20 वाले के पास, 1 वाले के पास कम inertia है. तो डायग्राम में आप देख पा रहे होगे, देखो एक टॉय कार है, उसको तो एक उंगली से आप धक्का देके आगे बढ़ा दे रहे हो, बट जो रियल कार होती है उसमें तो हालत ख़राब हो जाती है एक इंसान की धक्का लगाने में, पुश करने में. राइट. फ्रॉम द अबव डिस्कशन हम क्या कंक्लूड करते हैं, दैट टू ओवरकम द इनर्शिया एंड मेक अ बॉडी मूव फ्रॉम द रेस्ट वी मस्ट अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स. मतलब इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ेगा. इट शुड बी नोटेड दैट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो sometimes called Galileo's law of inertia. समझे, ये भी नोट कर लो आप कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कभी कभी गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. गैलीलियो वो ऑल्सो अ फिजिसिस्ट, है ना, वो भी एक फिजिसिस्ट थे जो रिसर्च करते थे सब चीज़ों के बारे में. वी कैन इलस्ट्रेट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और द प्रॉपर्टी ऑफ द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी विद अ सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट इज डिस्क्राइब्ड बिलो. ठीक है, इसको हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को. कैसे, वी टेक अ ग्लास टम्बलर. ग्लास टम्बलर, देखो ग्लास इस तरीके से लिया है, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड का शीट रख दिया है, नॉर्मल कार्डबोर्ड का. प्लेस अ थिक स्क्वायर कार्डबोर्ड ऑन द माउथ, ओके, एज शोन इन द फिगर. अ कॉइन, देन हाँ एक कॉइन ऐसे प्लेस कर दो आप. फिर क्या, आप ये एक्टिविटी अपने घर पर भी कर सकते हो. फिर क्या करना, आपको ऐसे फ्लिक करना है. फ्लिक का मतलब समझते हो, जैसे आप कैरम बोर्ड के स्ट्राइकर को मारते हो ना, वैसे आपको कार्डबोर्ड को मारना है. क्या होगा, कार्डबोर्ड आगे चला जाएगा बट कॉइन जो है वहीं का वहीं रह जाएगा और नीचे गिर जाएगा. ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि इस पूरे लॉ को डिटरमाइन करता है. ठीक है, ऑन फ्लिकिंग द कार्ड मूव्स अवे बट द कॉइन ड्रॉप्स इन टू द ग्लास. वी विल नाउ एक्सप्लेन इट हाउ इट हैपन्स. अब हम इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग को बताएंगे. इनिशियली बोथ द कार्ड एंड द कॉइन आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. दोनों ही फिगर नंबर ए में रेस्ट पे है, कॉइन भी और हमारा कार्डबोर्ड भी. बट जैसे ही हम उसको हिट करते हैं, अपने फिंगर से मारते हैं, तो होता क्या है, अ फोर्स एक्ट ऑन द कार्ड. मतलब एक तरीके का फोर्स कार्ड पे एक्ट होता है. हमने उसको मारा, पुश किया कार्ड को, तो कार्ड पे फोर्स लगा, है ना, और
कार्ड के स्टेट ऑफ मोशन को यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट को अब मोशन में चेंज कर दिया हमने फोर्स लगा करके, किया कि नहीं किया, है ना। इसके वजह से हुआ क्या कि कार्ड मूव किया, कार्ड कहाँ मूव किया, अबे जहाँ जिधर हमने उसको मारा उधर की तरफ मूव किया, ठीक है। बट ये जो फोर्स हमने कार्डबोर्ड पे लगाया, ये हमने कॉइन पे तो लगाया नहीं, कॉइन पे तो नहीं लगाया ना हमने, तो कॉइन नहीं मूव किया बट कार्डबोर्ड मूव कर दिया। अब सो कॉइन कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू इट्स इनर्शिया, क्योंकि उसके पास इनर्शिया था तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे ही रहा, क्योंकि इस पर एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लगा हमने, है ना। एंड व्हेन द कार्ड ऑन विच द कॉइन हैज बीन प्लेस्ड मूव्स अवे, द कॉइन फॉल्स इनटू द ग्लास टंबलर बिकॉज इट प्रिफर्स टू मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया। तो इनर्शिया के कारण जो कॉइन था हमारा वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहा, और इस तरीके से हमने इस एक्सपेरिमेंट को इलस्ट्रेट कर दिया। राइट नाउ वी विल नाउ कंसिडर द सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच सेज दैट अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू मूव अनलेस अ फोर्स कंपेल्स टू चेंज स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एट फर्स्ट साइट ठीक है, इट वुड अपियर टू बी रॉन्ग दैट अ बॉडी मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन विल कंटिन्यू टू मूव फॉर एवर विदाउट कमिंग टू द रेस्ट। ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, ये मूव ही करता रहे बिना स्टेट ऑफ रेस्ट पे आने, फ्रिक्शन भी तो कोई चीज़ होती है ना। बिकॉज इफ वी स्टॉप पैडलिंग अ बाइसाइकिल विच इज़ मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड द बाइसाइकिल डज नॉट गो ऑन इट्स ओन, है ना। बिना पैडल मारे हम बाइसाइकिल को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो कुछ समय के बाद वो रेस्ट पे आ ही जाएगी। सो द मूविंग बाइसाइकिल हैज़ बीन कंपेल्ड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बाय द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन। भाई एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन होता है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पिछले जूम क्लास में, लाइव क्लास में डिस्कस करी थी, आप लोगों को मैंने बता रखा था। राइट तो बस यही चीज़ें हो रही है। इफ़ देयर वर नो एयर रेजिस्टेंस एंड नो फ्रिक्शन, अगर एयर रेजिस्टेंस भी नहीं हो और फ्रिक्शन भी ना हो टू अपोज द मोशन ऑफ द बाइसाइकिल, जो कि बाइसाइकिल के मोशन को अपोज कर सके, तो साइकिल तो कभी रुकेगी नहीं, एक पैडल मारोगे आप सीधे के सीधे कहीं भी चले जाओ, है कि नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ होगा क्या, अ मूविंग बाइसाइकिल वुड गो ऑन मूविंग फ्रीली फॉर एवर, इट वुड नॉट स्टॉप। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो भी स्टॉप ही नहीं होगा, बट क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशन में तो एक्सटर्नल फोर्स हमारे पे लगता रहता है ना बराबर। चलो इट्स इट क्लियर, ये बात तो सबको क्लियर होगी होगी। वी विल नॉट डिस्कस सम एवरीडे ऑब्जर्वेशन, कुछ एवरीडे ऑब्जर्वेशन को भी देखते हैं, विच आर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज ऑफ इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इफ मोशन। व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन, ठीक है, एक कारपेट जो कि लटका हुआ है उसको हम डंडे से मारते हैं जब, या फिर आपका पावदान होता है घर में जो वेलकम वाला, उसको आप अपने बैल्कनी से लटका के एक डंडे से मारो, उसमें होता क्या है पता है, जैसे हम डंडे से मारते हैं होता क्या है, जो डस्ट बैठी रहती है उस पर, ठीक है, हमने फोर्स किस पे लगाया, डस्ट पे तो लगाया नहीं, हमने फोर्स कारपेट पे मारा, मतलब हमने डंडे से कारपेट को मारा, अब कारपेट पीछे चला जाता है, लेकिन जो डस्ट होता है वो क्योंकि इनर्शिया की वजह से वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे ही रहता है, कारपेट पीछे गया बट डस्ट तो वहीं पे रहता है जहाँ कारपेट पे, जहाँ पे था, कारपेट की पोजीशन चेंज हुई बट डस्ट की नहीं हुई, तो डस्ट वहाँ पे हवा में आ जाता है और गिर जाता है नीचे। तो ऐसे साफ करते हैं आप लोग पावदान को या फिर कारपेट को, ठीक है, घर पे आपके होगा सबके यहाँ तो देख सकते हो अपने आप ही इस समय, खुद से एक्टिविटी करके आप समझ सकते हो। तो क्या होता है, व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट पार्टिकल स्टार्ट कमिंग आउट, दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ स्टिक मेक्स द कारपेट मूव। द फोर्स ऑफ स्टिक क्या करता है, कारपेट को मूव करता है, बट डस्ट पार्टिकल तो स्टेशनरी है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो सेपरेट हो जाते हैं डस्ट और कारपेट। इसी तरीके से व्हेन अ ट्री जिसका कि फ्लेक्सिबल स्टेम है, ठीक है, इस शेकन विगरेसली, तो क्या होता क्या है, फ्रूट्स एंड लीव्स फॉल डाउन, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट व्हेन द ट्री इज शेकन, जब ट्री को हिलाया जाता है, इट मूव्स टू एंड फ्रो, यानी कि पेंडुलम की तरह मूव करता है ये, एक बार आगे जाता है एक बार पीछे जाता है इस तरीके से, ठीक है, जिसके कारण होता क्या है, जिसके कारण आपका इनर्शिया के कारण वो आपका लीव्स और वो फ्रूट्स डिटैच हो जाते हैं और गिर जाते हैं, ठीक है। चलो, वी हैव सीन दैट व्हेन अ कार और बस सडनली स्टॉप्स द पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड, ये जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग रीड करके क्लियर कर लोगे। तो फ्रॉम द अबव डिस्कशन
it is clear that Newton's first law of motion gives us a definition of force. It says that a force is something which changes or tends to change the state of a rest of or a uniform body or state of rest. फोर्स एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी होती है, और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है मैंने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों को. ओके, अब इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा डिस्कशन ऑफ मोमेंटम, जिसकी कि एनिमेटेड वीडियो मैंने फर्स्ट की भी और आज भी मैंने आप लोगों को मोमेंटम की एनिमेटेड वीडियो जो कि इंटरेक्टिव है, थोड़ी सी देखने में डेमोन्स्ट्रेशन एग्जाम्पल है उसमें, तो आपको समझ में आएगा ये मोमेंटम होता क्या है. जैसे इनर्शिया था ना कुछ, वैसे ही मोमेंटम भी होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मोशन में, जब मोशन की हम बात करते हैं तो मोमेंटम की बात आती है. आइए समझते हैं क्या होता है ये. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी शुड फर्स्ट नो द मीनिंग ऑफ द टर्म मोमेंटम. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट करने से पहले हमको मोमेंटम क्या है ये समझना होगा. वी नो दैट अ क्रिकेट बॉल इज मच मोर हैवी देन अ टेनिस बॉल. ये तो बात तो हमें पता ही है, जो क्रिकेट बॉल होता है वो टेनिस बॉल से ज़्यादा हैवी होता है. सपोज वी थ्रो अ क्रिकेट बॉल एंड अ टेनिस बॉल, मतलब हम एक बार क्रिकेट बॉल फेंके और एक बार टेनिस बॉल फेंके, बोथ विद द सेम स्पीड या फिर वेलोसिटी, मतलब दोनों को ही हम सेम स्पीड या फिर वेलोसिटी दे करके फेंके तो होगा क्या. इट विल बी फाउंड दैट मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द क्रिकेट बॉल. यानी कि दोनों को हमने सेम स्पीड से, यानी कि 20 मान लो हमने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दोनों को फेंका, तो एक बार टेनिस बॉल फेंकी एक बार क्रिकेट बॉल फेंकी, लेकिन जो क्रिकेट बॉल है उसको जो दूसरी तरफ लड़का खड़ा होगा, कोई भी इंसान खड़ा होगा जिसको कि हमारी फेंकी हुई बॉल को रोकना है, तो उसको रोकने के लिए, क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. भाई ये बात तो एकदम कॉमन सेंस से क्लियर हो रही होगी आप लोगों को, ऐसा क्यों है ना, क्योंकि क्रिकेट बॉल ज़्यादा भारी है और टेनिस बॉल ज़्यादा हल्की है, तो उसमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा हमको रोकने के लिए. ठीक, आप ये एग्जांपल देख पा रहे होंगे, डायग्राम्स बने हुए हैं. ओके, सो होता क्या है, हम क्या इस चीज़ से कंक्लूड करेंगे, दैट फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास. यानी कि जितना ज़्यादा मास होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स की रिक्वायर्ड होगी. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा रुकने के लिए उसको. नाउ इफ़ वी थ्रो टू क्रिकेट बॉल एट द सेम मास एट डिफरेंट स्पीड और वेलोसिटी, अगर हम सेम मास की यानी कि दो मान लो एक एक किलो की, हमारे पास एक किलो ज़्यादा हो गया, मतलब आधा आधा किलो की बॉल है, दोनों को हमने अलग अलग स्पीड से फेंका. अब की बार हमने एक को 10 की स्पीड से फेंका और दूसरे को 20 की स्पीड से फेंका, तो स्पीड 20 वाले की ज़्यादा हुई है ना. ये पाया गया कि इस बार जिसकी जिस बॉल बॉल का मास तो सेम है दोनों का, लेकिन स्पीड अलग अलग भेजा गया है, तो जो 20 किलो मतलब 20 वाली जो स्पीड थी जिस बॉल की, जो तेज़ी से जा रही थी, उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा, और जो हल्के से आ रही थी उसको रोकने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ा. मतलब कैच करने में जो ज़्यादा तेज़ से बॉल आएगी उसको कैच करने में ज़्यादा चोट लगेगी, और जो कम स्पीड से आ रही होगी उसको कैच करने में कम चोट लगेगी, वही चीज़. तो यहाँ से हुआ क्या, यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड ऑल्सो. यानी कि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए फोर्स आपको लगाना पड़ेगा. यहाँ से ये एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, एक बार मास फिर एक बार वेलोसिटी, यानी कि मास और वेलोसिटी भी ये चीज़ डिपेंड कर रही थी. तो अब हम क्या कह सकते हैं, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी. यानी कि किस तरीके से मोशन कर रही है बॉडी, वो डिपेंड करेगा उस बॉडी के मास पे और किस वेलोसिटी से वो मोशन कर रही है उस पे. तो यहाँ से एक नया टर्म निकल के आया जिसको कि हम बोलते हैं मोमेंटम. क्या बोलते हैं, मोमेंटम. द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो मोमेंटम का सिंबल होता है स्मॉल पी, ठीक है, और मास का सिंबल होता है एम स्मॉल एम, और वेलोसिटी का वी. तो आपका ये एक फॉर्मूला नया बन जाता है. इट इज़ क्लियर दैट इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट इफ़ द वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, हेंस उसका मोमेंटम भी ज़ीरो होगा. अगर बॉडी रेस्ट पे है यानी कि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, रुकी हुई है, तो उसका मोमेंटम भी ज़ीरो होगा. और लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना किसी बॉडी का मास ही ज़ीरो हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता. चलो अब बात कर लेते हैं इसके यूनिट की. इसके यूनिट की हम बात करेंगे, तो पहली बात तो ये है, मोमेंटम स्केलर होता है कि वेक्टर होता है, तो मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. इसकी यूनिट क्या होगी, देखो सिंपल है, मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ उसकी यूनिट. सो
सपोज पी इज इक्वल टू होता है आपका स्मॉल एम इंटू वी। अब पी का हमको यूनिट पता करना है, हमें नहीं पता पी की यूनिट क्या है, ठीक है भाई, डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर मीटर है ना, स्पीड की मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर, इसकी क्या होगी भाई, मास है, मास की यूनिट क्या होती है, केजी होती है या फिर ग्राम होती है ना। हम एम के एस या फिर सी जी एस की बात करेंगे, एम के एस सी जी एस क्या है मैं बताऊँगा। एम के एस यानी कि या तो यूनिट आपकी एम के एस होगी यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड, या फिर आपकी सी जी एस होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी कि आपका मीटर के साथ कभी ग्राम नहीं आएगा और सेंटीमीटर के साथ कभी किलोग्राम नहीं आएगा, सेकेंड तो दोनों में ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग ज़रूर दिमाग में बैठाए रखना। अब हमें यूनिट की बात करनी थी तो आ जाते हैं यूनिट की बात करने के लिए। तो इसका केजी हो गया और वेलोसिटी की यूनिट होती है केजी के साथ, क्या यूज़ करेंगे हम मीटर पर सेकेंड, तो इसकी यूनिट हो गई केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, सिंपल है ना, है कि नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। वी जस्ट हैव सीन दैट मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, सो ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है मोमेंटम की, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट क्या होती है मोमेंटम की, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एवरी बॉडी पजेसेस अ मोमेंटम, हर बॉडी के पास मोमेंटम होता है, सिंस मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। सो इफ़ अ बॉडी हैव वेरी लार्ज मोमेंटम, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है किसी भी बॉडी का, अगर हमें मोमेंटम को बढ़ाना है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो हम उसके मास को बढ़ा दें, या तो हम उसको फेंकने की वेलोसिटी बढ़ा दें उसको, ठीक है, या तो उसकी वेलोसिटी बढ़ा दें, ठीक है। मोमेंटम किसके पास होता है, मूविंग बॉडी के पास, स्टेशनरी बॉडी के पास मोमेंटम नहीं होता, इस चीज़ को याद रखना, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। सिंपल है कॉन्सेप्ट भाई, कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तभी उसके पास वेलोसिटी है, तभी मोमेंटम है, एज सिंपल एज दैट। ओके बच्चों, अभी हमें और चीज़ देखना है, चलो और चीज़ थोड़ा सा पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इफ़ इट्स मास इज लार्ज या फिर उसकी वेलोसिटी बहुत लार्ज है तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, या फिर दोनों ही बहुत ज़्यादा है, तीन केस होते हैं, या तो मास बड़ा हो जाए तो मोमेंटम बढ़ेगा, या तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए तो मोमेंटम बढ़ेगा, या फिर दोनों बढ़ा दे तो भी मोमेंटम बढ़ जाएगा। वी विल नॉट डिस्कस सम एवरीडे सिचुएशन विच इन्वॉल्व लार्ज मोमेंटम। अब देखो, अ कराटे प्लेयर कैन ब्रेक अ पाइल ऑफ टाइल्स और अ स्लैब ऑफ आइस विद अ सिंगल ब्लो ऑफ हिज हैंड। भाई ऐसा कैसे होता है, चलो देखते समझते हैं। दिस इज बिकॉज अ कराटे प्लेयर स्ट्राइक्स द पाइल ऑफ टाइल्स और स्लैब ऑफ आइस विद हिज हैंड वेरी वेरी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट, बहुत ज़्यादा स्पीड से। इन डूइंग सो, ऐसा करने से द लार्ज मोमेंटम ऑफ अ फास्ट मूविंग हैंड इज रिड्यूस टू ज़ीरो इन अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम। देखो होता क्या है, क्या करता है कराटे प्लेयर जो है वो स्ट्राइक करता है टाइल्स पे बहुत ही तेज़ से, जिसके कारण होता क्या है, ऐसा करने से द लार्ज मोमेंटम ऑफ द फास्ट मूविंग हैंड, लार्ज मोमेंटम ऑफ द फास्ट मूविंग हैंड यानी कि बहुत ज़्यादा मोमेंटम होता ना, फास्ट मूविंग हैंड का बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो गया, वो तुरंत के तुरंत रिड्यूस टू ज़ीरो हो जाता है इन अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कि छोटे से बहुत थोड़े टाइम पे वो ज़ीरो हो जाता है। इसके वजह से होता क्या है, दिस एग्जर्ट्स अ वेरी लार्ज फोर्स ऑन द पाइल ऑफ टाइल, इसके कारण होता क्या है, मोमेंटम ज़ीरो होने के कारण बहुत ही ज़्यादा बड़ा फोर्स उस टाइल्स के ऊपर या फिर स्लैब के ऊपर लगता है, जो कि सफिशेंट होता है उनको तोड़ने के लिए। इसलिए बहुत ही तेज से आकर अचानक से ये जैसे ही टच होता है अपना हाथ रोक देते हैं, तो वो क्या होता है, रोक तो देते हैं, मोमेंटम वहाँ ज़ीरो हो जाता है लेकिन फोर्स तो रहेगा, तो जिसके कारण क्या होता है वो चीज़ हमारी टूट जाती है, स्लैब हो या फिर टाइल्स हो। डायग्राम में आप देख पा रहे होगे बिल्कुल वैसे ही। ओके, दो अ क्रिकेट बॉल इज़ नॉट वेरी वेरी हैवी बट इट इज़ इफ़ इट इज़ थ्रोन एट अ वेरी हाई स्पीड, तो क्या होता है इससे बैट्समैन की जान भी जा सकती है, अगर बॉल को बॉलर ने बॉल को बहुत तेज़ी से फेंका और बहुत तेज़ी से आके अगर किसी को भिड़ गई, किसी के सर पे लग गई, तो किसी की मौत भी हो चुकी है क्रिकेटर की, ठीक है। नाउ दिस इज़ वाई अ बैट्समैन ऑफन डक्स, बाउंसर क्या कर ले, डक कर लेता है ताकि बाउंसर उसको लगे ना, वैसे तो हेलमेट में लग जाती है लेकिन फिर भी। ऑन द अदर हैंड अ कार और अ बस मे नॉट बी रनिंग एट अ वेरी हाई स्पीड, लेकिन उनका मास बहुत ज़्यादा होता है जिसके कारण हल्का सा भी एक्सीडेंट होता है तो चोट चाट लग जाती है बहुत ज़्यादा। समझ में आ गई बात। ओके, तो उसको आप लोग रीड करिएगा,
तो मैं ही रीड कर लेता हूँ थोड़ा सा. इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट रोड एक्सीडेंट एट वेरी हाई स्पीड इज़ वेरी वर्स देन द एक्सीडेंट एट लो स्पीड. मतलब कि अगर हाई स्पीड वाले एक्सीडेंट जो होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, उसमें कोई बचता नहीं है. दिस इज़ बिकॉज द मोमेंटम ऑफ द व्हीकल रनिंग ए वेरी हाई स्पीड, और उसके कारण उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण जब कोलिजन होता है, यानी कि भिड़ा दो गाड़ी का आपस में भिड़ने को कोलिजन बोलते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के भिड़ने को कोलिजन बोलते हैं. तो कोलिजन जब होता है तो ऐसा होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक, मतलब उसमें डेंजर हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है. ठीक है, ओके. सो फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूड दैट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी टेकन इनटू अकाउंट बाय अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज़ नोन एज मोमेंटम. इन फैक्ट मोमेंटम इज़ कंसिडर्ड टू बी मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी. वी कैन फील वॉट मोमेंटम इज़ इफ वी हैपन टू कोलाइड विद अनदर पर्सन दैट इज रनिंग विद अ वेरी हाई स्पीड. तो हमें समझ में आएगा कि मोमेंटम होता क्या है. दो लोग पूरी फुल स्पीड से दौड़ते हुए और भिड़ जाओ तो पता चलेगा कि मोमेंटम क्या होता है. ऐसा करना मत, चोट लग जाएगी. अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको कि आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना होगा आपको यूनिट केजी मीटर पर सेकंड. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है मोमेंटम का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए. तो अब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करना. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है इसको समझेंगे, और बस फिर इसी तरीके से हमारे चैप्टर में आगे बढ़ते चले जाएंगे और हमारा चैप्टर हो जाएगा ओवर. तो फर्स्ट टर्म जो हमारा टर्म वन है उसमें ये आपके दो चैप्टर ही है, मोशन ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. तो इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से. इज़ इट क्लियर? ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास देन. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए. नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं. ओके देन, सी यू.